हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं ज्योति। फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपने गार्डन का ओवरव्यू देने वाली हूँ। फ्रेंड्स, छोटा सा ओवरव्यू है, आप लोग मेरे वीडियो पूरा देखना फ्रेंड्स, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और मेरे चैनल पे नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, आप ये देख रहे हैं, ये टिकोमा का प्लांट है जिसे हम गोरी चोरी भी कहते हैं। ये देखिए, काफ़ी बिग साइज़ का प्लांट हो गया फ्रेंड्स। ये देखिए आप, कितना घना हो गया ये प्लांट्स। नीचे ज़मीन में लगा हुआ है ये। इसे मैंने पिछले साल ही ख़रीदा था 50 रुपये में। और साथ ही ये देखिए आप, हिबिस्कस का प्लांट है जिसकी प्रूनिंग कर दी थी मैंने। प्रूनिंग के बाद कितनी अच्छी ग्रोथ निकल के आई है इसमें। ये भी ज़मीन में लगे हुए प्लांट्स हैं फ्रेंड्स, और देखिए कितना अच्छा ग्रोथ हो रहा है। अभी कलियाँ नहीं बनी हैं इनमें किसी में भी, पर ग्रोथ बहुत अच्छी है इनमें। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये अमरूद का प्लांट है, चाइनीज़ अमरूद। काफ़ी बड़ा तो हो गया, लेकिन इसमें अभी तक अमरूद नहीं लगे। पता नहीं अमरूद होंगे भी या नहीं होंगे इसमें। काफ़ी बिग साइज़ का प्लांट हो गया फ्रेंड्स, देखिए। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये चंपा का प्लांट है जिसमें नई नई ग्रोथ चालू हो गई है, देखिए। और साथ ही फ्रेंड्स, ये देखिए मेरा हिबिस्कस का प्लांट जो काफ़ी बिग साइज़ का है, जिसकी प्रूनिंग कर दी थी मैंने, और रूट प्रूनिंग भी करी है फ्रेंड्स इसकी मैंने। इसके बाद इसमें नई नई ग्रोथ बहुत ही अच्छी निकल के आई है। और साथ ही ये हाइब्रिड हिबिस्कस है फ्रेंड्स, ये देखिए कलियाँ आ रही है इसमें। इसकी प्रूनिंग मैंने नहीं करी है फ्रेंड्स, बस इसमें मैंने खाद डाल दिया। ये देखिए कलियाँ इसमें, हर एक ब्रांच पे इसकी कलियाँ बन रही है। और ये कन्हेर का प्लांट है, येलो कन्हेर, इसकी भी मैंने प्रूनिंग कर दी थी, रूट प्रूनिंग भी कर दी थी फ्रेंड्स, और स्टेम प्रूनिंग भी। ये देखिए इसके बाद आप नई नई ग्रोथ इनमें भी निकल के आ रही है। ये दो कन्हेर है येल्लो मेरे पास, और ये देखिए दोनों की मैंने प्रूनिंग कर दी थी। और ये साथ ही एग्जोरा का प्लांट है फ्रेंड्स, ये मिनिएचर एग्जोरा, इसमें नई नई ग्रोथ निकल के आ रही है। आप देखिए बहुत ही छोटी छोटी सी ग्रोथ सब में निकल के आ रही है। एक ये एग्जोरा है, ये ऑरेंज एग्जोरा है फ्रेंड्स, ये देखिए इसमें भी नई ग्रोथ निकल के आ रही है। इनकी भी मैंने प्रूनिंग कर दी थी फ्रेंड्स, और इनका गमला चेंज कर दिया था मैंने। ये देखिए ये येलो एग्जोरा, और ये साथ ही रेड एग्जोरा देसी वाला। और ये देखिए इसमें भी नई नई ग्रोथ निकल के आ रही है सारी जगह। एक यहाँ पे है, सारी जगह नई नई ग्रोथ निकल के आ रही है अभी इसमें। ये देखिए फ्रेंड्स, ये रोज़ की कटिंग ग्रो किया था मैंने, एक वाइट एक रेड कलर का रोज़ है इसमें। और देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ चल रही है इनकी, दो कटिंग एक साथ ही मैंने लगा दिया फ्रेंड्स। ये देखिए अब एक कटिंग ये रही, एक ये रही। रोज़ के काफ़ी सारे प्लांट्स रेडी हो गए फ्रेंड्स मेरे पास। ये देखिए सारे मैंने कटिंग से ग्रो किया, और देखिए आप इन सब में रूट्स, सब में रूट्स आ गई हैं। जितनी भी आपको कटिंग दिख रही है सब में रूट्स आ गई हैं फ्रेंड्स। और मैंने एक रोज़ के कटिंग यहाँ ग्रो किया, ये देखिए इसमें भी नई नई ग्रोथ निकल के आ गई है। ये मेरा फ्रेंड्स डहेलिया का प्लांट है जिसे मैंने ग्रो बैग में लगा दिया। और ये देखिए कढ़ी पत्ता, इसकी प्रूनिंग कर दी थी, देखिए कितना अच्छे नई ग्रोथ निकल के आई है इसमें। ये टिकोमा वाइन का प्लांट है फ्रेंड्स, इसे भी मैंने कटिंग से ग्रो किया, रेनी सीजन में कटिंग ग्रो किया था फ्रेंड्स। एक ये हिबिस्कस है, जो मैंने अभी बड़ा वाला हिबिस्कस दिखलाया, उसकी कटिंग से रेडी हुआ है प्लांट ही। और ये देखिए स्नेक प्लांट, और देखिए काफ़ी सारी कटिंग्स मैंने यहाँ पे ग्रो करने के लिए रख रखी है। और एक ये देखिए फ्रेंड्स, एक ये रोज़ प्लांट की कटिंग जिसे मैंने पॉलीबैग में लगा रखा। ये चांदनी का प्लांट है फ्रेंड्स, इसे मैंने कटिंग से ग्रो किया था, इसमें कलियाँ आने लगी हैं। ये मेरा कन्हेर का प्लांट है फ्रेंड्स, इसकी प्रूनिंग कर दी थी। प्रूनिंग के बाद देखिए कई नई सारी ग्रोथ आपको दिखाई दे रही होगी फ्रेंड्स, नई नई ग्रोथ इसमें। और ये वाइट वाइट कन्हेर का प्लांट है फ्रेंड्स, इसमें देखिए कलियाँ कितनी सारी आ रही हैं। ये रेड कन्हेर है, इसमें भी देखिए प्रूनिंग के बाद कितनी अच्छी नई ग्रोथ निकल के आ रही है। ये मधुकामनी है फ्रेंड्स, इसमें फ्लावरिंग तो नहीं हुई है, लेकिन नई ग्रोथ काफ़ी अच्छी चल रही है। और ये मेरे सारे हिबिस्कस के प्लांट हैं जिनमें नई नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है, देखिए आप। ये मिनिएचर हिबिस्कस है फ्रेंड्स, और ये देखिए फ्रेंड्स गुलदावरी में फिर से बर्ड्स आने लग गई हैं मेरी, देखिए दोबारा फ्लावरिंग के लिए स्टार्ट हो गई हैं, ये कलियाँ बननी स्टार्ट हो गई हैं इसमें दोबारा।
ये पर्सनल सॉरी फ्रेंड्स, ये पोर्चुलाका का प्लांट्स है। इसमें देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ निकल कर आई है। एक ये डबल पेटल हिबिस्कस है फ्रेंड्स, इसमें देखिए नई नई ग्रोथ। ये देखिए फ्रेंड्स, एक ये है, इसमें भी देखिए नई नई कलियाँ। गुलदावरी में आपको हर एक ब्रांच पे नई नई कलियाँ दिखाई देंगी। ये फिर से फ्लावरिंग के लिए रेडी हो गए हैं फ्रेंड्स। और ये देखिए कटिंग से लगा हुआ बोगनवेलिया का प्लांट। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये वाला अलग है और ये अलग है। ये इसमें छोटे छोटे फ्लावर्स आते हैं और इसमें बड़े साइज़ के फ्लावर आते हैं। देखिए आप, इसे मैंने कटिंग से रेडी करा, इसके चार प्लांट रेडी हुए हैं फ्रेंड्स कटिंग से मेरे गार्डन में। ये देखिए मैक्सिकन पिटोनिया, देखिए वाइट है ये पिंक है, पर्पल कलर भी हैगा। और ये देखिए कन्हेर, ये भी मैंने कटिंग से रेडी किया। देखिए इसमें कितनी कलियाँ आ रही हैं। ये मोगरा का प्लांट है फ्रेंड्स, इसमें देखिए नई नई ग्रोथ काफ़ी अच्छे से निकल के आ रही है। इसमें नई नई ग्रोथ ही देखिए, हर एक ब्रांच में नई ग्रोथ है। अब ये मेरा यूफोर्बिया मिली का प्लांट, और देखिए कितनी फ्लावरिंग कर रहा है ये। ये देखिए मोरपंखी का प्लांट है फ्रेंड्स, कितने सारे सीड्स लग गए हैं इनमें देखिए। और ये देखिए टिकोमा का प्लांट, ऑरेंज टिकोमा है ये, एक टिकोमा ये है। देखिए कितनी कलियाँ आ रही है इस पर, कितने फ्लावर खिले हुए हैं मेरे टिकोमा प्लांट्स पे। और ये सदाबहार का प्लांट है फ्रेंड्स, चार पांच वैरायटी है मेरे पास दिस हाइब्रिड, जिनमें किसी में फ्लावरिंग हो रही है, किसी में नहीं हो रही है। ये देखिए येलो हिबिस्कस, जिसमें कल एक फ्लावर खिला था फ्रेंड्स, शॉर्ट्स वीडियो में मैंने डाल रखा। देखिए कितनी कलियाँ आ रही है, हर एक ब्रांच पे आपको कलियाँ दिखाई देगी। येलो हिबिस्कस है, ये पाउडर पफ है फ्रेंड्स। ये देखिए दो फ्लावर खिले हुए हैं आज इसमें भी। ये चांदनी का प्लांट है फ्रेंड्स, इसे मैंने कटिंग से ग्रो किया। देखिए इसमें भी कलियाँ आने लगी है, ये डबल चांदनी है फ्रेंड्स। ये मिनिएचर हिबिस्कस है और ये रेड हिबिस्कस है हाइब्रिड, इसमें भी कलियाँ आने लगी हैं। और ये देखिए एक ये हाइब्रिड है हिबिस्कस की, 10-11 वैरायटी है फ्रेंड्स मेरे पास देसी और हाइब्रिड। ये देखिए टिकोमा, ये येलो टिकोमा है, ये रेड टिकोमा है। तो फ्रेंड्स वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी सारे गार्डन को दिखलाते दिखलाते, इसलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स। और मेरा गार्डन अभी काफ़ी सारे प्लांट्स रह गए हैं दिखलाने के लिए, जिन्हें मैं आपको फिर दूसरे वीडियो में दिखलाऊंगी फ्रेंड्स। तो ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, बाय। ये मेरा छोटा सा गार्डन है, जिसे आप यूँ ही देख लीजिए, सारे इंडोर प्लांट्स आउटडोर प्लांट्स हर एक प्लांट्स हैं। बाय फ्रेंड्स।